सुन रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संध्या के समय हमें कभी भी भोग विलास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान भोलेनाथ प्रत्येक घर पर हाजरी लगाने के लिए आते हैं और देखते कौन क्या कर रहा है। अगर संध्या के समय पर हम भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की उसके ऊपर पूर्ण कृपा रहती है और भक्त विलासिता में आशक्त रहता है तो उसके घर में राक्षस वृत्ति प्रवेश कर जाती है। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमी सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजन तुम्हें मैंने कश्यप ऋषि की कथा सुनाई, पूर्णमान के बिरज ब्रज के विश्व दो पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम था देवकुल्या। और ये देवकुल्या जो कन्या है ना, जिस समय बामन भगवान ने राजा बलि को छलने के लिए अपना कदम ऊपर को उठाया, वो कदम ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने बामन भगवान के चरण पखारे तो उस चरण से गंगा उत्पन्न हुई जिसका नाम था देवकुल्या। प्रभु पद से गंगा प्रगटाई, सोए प्रभु की कन्या कहलाई। आज अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, उनके तीन पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशों से क्रम से दत्तात्रेय दुर्वासा और सोम। भगवत प्रेमियों सती अनुसुईया की जो कथा है बड़ी मार्मिक कथा है, क्योंकि ये पतिव्रत धर्म जो होता है इससे बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज हम अपने अपने धर्म को भूल बैठे हैं। हमारा जो दायित्व तो है, हम अपने दायित्व से वंचित हो चुके हैं, इसलिए आज घर घर में कलह हो रही है। आज घर घर में क्लेश का वातावरण बन चुका है, क्योंकि हम अपने अपने नियम का पालन नहीं कर रहे, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैया अनुसुईया जो है अपने गृहस्थी धर्म का पालन करती है, और मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि पति प्रतिकूल जन्म जहां जाए, जो देवियां अपने पति के प्रतिकूल व्यवहार करती हैं, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाए और विधवा होए पायो तरणाई, जवानी में विधवा हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपने पति के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। इधर सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजन मनोस्तु सतरूपायां स्त्रियः कन्यास जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिविस्वतः। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति की जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है सती। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। एक बार परम वैरागी संत नारद जी देखिए, नारद जी जो है कलह प्रिय है, नारद जी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पहले तो देवर से नारद थे, लेकिन आज प्रत्येक गांव में नारद मिल जाते हैं। अगर किसी परिवार में सुमत से प्रेम से सभी आपस में व्यवहार करते हो ना, तो उन नारद जी को ये बात हजम नहीं होती। चार भाई है तो चार भाइयों में प्रेम कैसे है, इनके घर में फूट पड़नी चाहिए। इधर
जिस समय भगवान भोलेनाथ सती के साथ वन में विहार कर रहे थे, वैसे तो यह सती चरित्र की जो कथा आती है वो रामचरितमानस में आती है, लेकिन सती जी जो है भोलेनाथ के साथ भ्रमण करती है, लेकिन सीता जी का हरण हो गया था, तो सीता जी के विरह में मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बनवन भटक रहे थे सीता जी की खोज करते करते। जैसे देवांदेव महादेव बाबा से भेंट हुई तो महादेव ने प्रभु श्री राम के लिए सच्चिदानंद घर कहकर के प्रणाम किया। सती जी को भ्रम हो गया, सती जी कहने लगी ये जिनके लिए आप सच्चिदानंद घर कह रहे हो ये सच्चिदानंद घन है क्या? बोले हाँ महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले क्यों? कि देवांदेव तो महादेव है, ये क्या आपसे भी बढ़कर है? बोले हाँ ये मेरे इष्ट है, क्योंकि भगवान राम भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो सती जी ने कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अब तो भगवत प्रेमी, जैसे ही इतना कहा तो सती जी को बात हजम नहीं हो रही है। सती जी के मन में विचार आया कि प्रभु श्री राम जिसके विरह में बन बन भटक रहे हैं, क्यों नहीं उनका रूप धारण कर लिया जाए। अब तो सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया और सीता जी का भेष धारण करके प्रभु श्री राम के सामने आई और कितनी सुंदर बात कही है भैया कि शंका का समाधान तो होना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई शंका आ जाए, जब तक उसका हल नहीं निकलता है तब तक चैन नहीं पड़ता है। इसलिए आज मैया सती जी के दिमाग में मन में एक शंका उत्पन्न हो गई और आज सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया और सीता जी का भेष धारण करके आज प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। इधर मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है और देवांदेव महादेव बाबा ने सती जी से कहा कि जो तुम्हार मन भाषण दे हो तो किन जाए परीक्षा ले। अरे तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाकर के क्यों नहीं परीक्षा ले लेती? तो आज सती जी परीक्षा लेने के लिए जा रही है और किस प्रकार से जा रही है कि शंका मन में हुई और मची खलबली, शंका मन में हुई और खली मची खलबली, शंका मन में हुई और मची खलबली, शंका मन में हुई और मची खलबली, लेने रघुवर परीक्षा सती जब चली, लेने रघुवर परीक्षा सती जब चली, लेने रघुवर परीक्षा सती जब चली। आज सती जी चलती जा रही है और किस प्रकार से आगे पहुंची विपिन में मिले राम नाम, विपिन में मिले राम नाम, आगे पहुंची विपिन में मिले राम पहले लक्ष्मण सती का हुआ सामना। भोले मातेश्वरी मेरी दिपता टली, भोले मातेश्वरी मेरी दिपता टली, लेने रघुवर परीक्षा सती जब चली, लेने रघुवर परीक्षा सती जब चली, लेने रघुवर परीक्षा सती जब चली। Thank you.
जैसे ही लक्ष्मण जी से भेंट हुई, लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले मातेश्वरी मेरी दिपता टली, बोले मातेश्वरी मेरी दिपता टली। आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैया अच्छा हुआ कि आप आ गई, क्योंकि मेरे भैया आपकी रक्षा के लिए मुझे नियुक्त करके गए थे। इस बात का मुझे कलंक लगा था कि लक्ष्मण तूने मैंने सीता जी की रखवाली के लिए छोड़ा था, अगर आज तू सीता जी को छोड़ करके नहीं आता तो सीता जी का हरण नहीं होता। तो आज भगवती प्रेमियों, लक्ष्मण जी कह रहे अच्छा हुआ माता से आप आ गई। अब तो भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही लक्ष्मण जी भूल बस चकरा गए, पहचान नहीं पाए, जैसे ही प्रभु राम का आगमन हुआ कि श्री राम वहां से आ निकले, जैसे राम जी लता पताओं से निकल करके आए और आकर के राम जी ने सती जी को सीता जी के भेष में देखा, अब तो राम जी सोच रहे श्री राम वहां से आ निकले, तो लक्ष्मण तो भ्रम बस चकराए, पर मायापति माया बिलोक, पर मायापति माया बिलोक, अपनी माया पर मुस्काए, अपनी माया पर मुस्काए। आज प्रभु श्री राम मुस्कराने लगे, जय हो। मानता था लेकिन आज इन्होंने मेरी अर्धांगिनी का भेष धारण किया है, और प्रभु श्री राम ने आकर के मैया सती जी को प्रणाम किया कि आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील साजे हैं, क्यों सिवे यहाँ क्या करती हो कैलासी का। आकर के प्रभु श्री राम ने जैसे प्रणाम किया, कहने लगे मैया मैया बाबा को कहाँ छोड़ आई, अब तो सती जी एकदम चक्कर में पड़ गई। और जैसे ही इतना सुना और इतना सुनते ही एकदम भागने लगे, लेकिन प्रभु श्री राम की माया, आज राम ने अपनी माया फैला दी। जैसे माया फैलाई, जिधर देखती है उधर राम और लक्ष्मण खड़े हैं, जिधर देखा उधर राम और लक्ष्मण। तभी तो मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया है, सी राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग, सी राम मैं सब जग जानी, प्रभु श्री राम सती जी के मन की बात को समझ गए। उसी समय पर प्रभु श्री राम ने अपनी माया को हटाया,
सती जी ने देखा है, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी जो कि अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए कह रहा देवियों, हमें अपने पति की बात माननी चाहिए, अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पति की बात नहीं मानेंगे तो सती की तरह से पछताना पड़ेगा। अब तो आज उदास चित्त होकर के ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे ऐसे भोले भाले पति का अपमान सती ने कर दिया। आज उदास चित्त लौट करके जैसे प्रभु देवानंद महादेव बाबा के सम्मुख आई तो भोले बाबा ने कहा, कहो ले आई परीक्षा, लेकिन फिर झूठ बोल दिया। क्या बोला? कछुन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे। आज सती जी कह रही है, प्रभु मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन भोले बाबा ने ध्यान योग से देखा, इसने मेरी इष्ट माता का भेष धारण किया है, अब पति पत्नी के रूप में इस तन से भेंट नहीं होगी। आज भोले बाबा ने सती जी को सामने आसन दे दिया, परीक्षा महाराज बात समझने की है, नींद तो नहीं आ रही है लेकिन पलक भारी दिख रहे हैं। हाँ हाँ मैं बताऊं, कभी कभी आप खड़े है जाओ करो कोई बात ना, क्योंकि आप की घुटने दुख जाते हैं ना जब झप्पी सी आवे तो नेक मारे है आखिर में पानी का है। ठीक उसी प्रकार से आज सती जी ने फिर झूठ बोल दिया, कछुन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, मैंने तो आपकी तरह से उनके लिए प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा तो घट घट वासी है, अंतर्यामी है, उन्होंने भाप लिया कि मेरी इष्ट माता जानकी जी का भेष धारण किया है। सती जी को सामने आसन दे दिया, जो पत्नी का आसन होता है ना वो पत्नी का आसन वामांग होता है और देवी का आसन दाएं अंग होता है। तो आज आपकी जो अर्धांगिनी है देवी स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान में देवियों को दक्षिण भाग में रखा जाता है, सीधे हाथ की तरफ रखा जाता है और सैया सैन पर वामांग होता है, गृहस्थ में वामांग रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, क्योंकि सीधा अंग जो है, दाया अंग जो है वो साधना का अंग है और बाया अंग जो है वो वासना का अंग है। अगर अर्धांगिनी को बाएं अंग रखा जाएगा तो वासना मन में प्रवेश कर जाएगी, जब वासना मन में प्रवेश कर जाएगी तो हम साधना सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, आज अपने पति से झूठ बोल दिया है, और देखिए समझने की बात है, गीता में भी स्पष्ट लिखा है, इंसान को बर्बाद करने के छह कारण होते हैं। इंसान की बर्बादी के छह लक्षण हैं। पहला है अधिक सोना, पहला है अधिक सोना, जो ज्यादा सोएगा उसका समय निकल जाएगा, क्योंकि अब पछताई हूं तो कहा जब चिड़िया चुप गई थे। अगर ये ज्ञान मुझे 10 साल पहले आ जाता तो आज मेरा जीवन चमक जाता, लेकिन पहले तो सोचा नहीं, पहले तो तू आलस्य के वशीभूत जागा नहीं, तो ध्यान रखना। दूसरा है गुस्सा करना, गुस्सा करना बर्बादी का कारण है, इसलिए हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, जो ज्यादा क्रोध करता है वो बर्बादी का लक्षण होता है।
अच्छा एक बात बताओ, हम क्रोध करते हैं या हमको क्रोध आता है? परीक्षित महाराज, हम क्रोध करते हैं या क्रोध आता है? आता है बड़े भैया, क्रोध आता है कि करते हैं? करता ही है, आवत आए, ये वास्तविकता, ये चीज आने की नहीं है, आने की चीज है टॉयलेट, जिसे हम रोक नहीं सकते, और ये क्रोध आने की चीज नहीं है, ये तो हम कर जाते हैं। सामने वाले की थोड़ी सी कमी देखी हम एकदम क्रोध में डूब गए, लेकिन ये क्रोध जो है बर्बादी का लक्षण है। जरा से क्रोध के पीछे परिवार में विघटन हो जाता है, इसलिए हमें जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो यहां तक लिखा है कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये छह विकार जो है मानव के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो मानव का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए तीसरा भय, तीसरा भय, क्योंकि विनय न मानत जलद जड़ गयो तीन दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय भी न होइ न प्रीत। तो ये भय भी बर्बादी का कारण है। भय नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, अगर हम भय करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा है थकान। परीक्षित महाराज, ये आपके ऊपर बात लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये छह लक्षण तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं। हंसने की बात ना करो, तुम अपने से जुड़ो, तुम तो जुड़ रहे हैं। ये छह बात प्रत्येक प्राणी से गुजर रही है, प्रत्येक प्राणी को हर चरित्र अपने से जोड़ना चाहिए। ये बात जो चल रही है कहीं मेरे तो ऊपर नहीं चल रही है, तो हर बात अपने ऊपर उतर जाती है। ठीक उसी प्रकार से थकान नहीं करनी चाहिए, कितना भी मेहनत हो जाए, लेकिन फौजी देखे हैं आपने, आपके गांव में है कोई फौजी? नहीं है, मुझे तो मालूम है वो प्रधान जी का बेटा फौजी था, क्या नाम था उसका, सुरेश का भाई बॉबी, बॉबी फौजी। तो फौजी जो होता है अपने परिवार की चिंता नहीं करता, सिर्फ देश की रक्षा के लिए बर्फ में खड़ा है। आपको रजाई में सर्दी लग रही है, लेकिन उसको बर्फ में सर्दी नहीं लग रही है। किसकी खातिर? देश की रक्षा की खातिर। अगर आज फौजी संसार में नहीं होते तो हम तान दुपट्टा नहीं सोते, आज हम सो रहे हैं तो उन फौजियों की देन है, नहीं तो आतंकवादी अपने ऊपर अटैक कर जाते हैं। तो हमें कभी थकना नहीं चाहिए, और ये थकान हमारे शरीर में कहां आती है? डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, थकान हमारे शरीर में सबसे पहले कहां आती है? आप भी डॉक्टर साहब हैं, आप रिटायर है, अभी रिटायर ना गए, आप में ज्यादा अनुभव हो। ये थकान हमारे शरीर में कहां से आती है? मन से, दिमाग से आती है। हमारे मन में यदि बात आ गई कि हाँ मैं थक गया, तो अंश निकल जाएंगे, और मन में ये बात आई कि अभी अभी मैंने क्या किया है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो आपकी एनर्जी जो है पुनः वापस आ जाएगी। इसलिए मन से वही बात आ रही है, मन से सकल वासना भागी और केवल राम चरण लो। हमारा मन भगवान के श्री चरणों में स्थिर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आलस्य, आलस्य भी नहीं करना चाहिए, अगर हम ये आलस करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बजाओ राधा नाम की ताली और सबके संकट दूर करेगी, और गोबर लाने वाली बजाओ, कौन कौन ताली बजा रहा है राधे के नाम पर? जो राधे से प्रेस करते हैं वो दोनों हाथ उठा ऊपर, और जो नहीं करते हैं वो हाथ नीचे रखना, और ऊपर ऊपर ताली बजनी है। बजाओ 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 राधा नाम,
जय जय श्री राधे। हाथ उठे हैं, पीछे वाले ना उठे तो ना क्या उनके ना उठे।